ओके सो हाई एवरी वन इफ़ माई वॉइस इज ऑडिबल इफ़ आई एम विजिबल गिव मी अ थम्स अप राइट समथिंग कमेंट सेक्शन सो हाई एवरी वन ओके सो वन दैट्स क्लियर आई वेलकम यू ऑल ऑन ड्रीम यू पी एस सी दैट इज अन अकेडमी यूट्यूब चैनल ठीक है अब देखो यार हमने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हाय बॉबी हाय Uh, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस uh, की हैं मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में आई होप वो आपको हेल्प करेगी क्लासेस जो भी मॉडर्न हिस्ट्री वाली हमने लास्ट लास्ट तक अटेंड की सारी चीज़ें ठीक है अब हम थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं और मेडिवल हिस्ट्री एक पूरा सेक्शन है जो कि दिल्ली uh, सल्तनत और टू बी वेरी स्पेसिफिक इस्लामिक इन्विजन इन इंडिया अलेवेंथ सेंचुरी ठीक है नॉर्थ इंडिया से शुरू होता है वो उस वाले रीजन से और फिर वो पूरे का पूरा uh, मुगल एम्पायर के एंड तक आप उसमें सेक्शन देख सकते हैं सेवनटी हंड्रेड सेवन तक तो ये सारी चीज़ें हमें क्लासेस में डिस्कस करनी है और उसकी हम क्लासेस अब शुरू करने जा रहे हैं दिस इज द लेक्चर नंबर वन तो अगर आप अभी क्लास में हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप पहले दिन से क्लासे अटेंड करना शुरू करेंगे ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर मेडिवल हिस्ट्री अगर कोई और क्वेरी कोई क्वेश्चन होते जाएगा तो बीच में पूछेंगे हाय राजन और कोई और क्वेरी जैसे जैसे बताएंगे मुझे ठीक है देखो दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी इफ यू नो मी ऑलरेडी दैट्स ग्रेट इफ यू हैव सीन एनी ऑफ माई वीडियो प्लीज गो थ्रू इट इसको एक बार पढ़ लीजिए नीचे लिंक है उनको फॉलो कर लेंगे ठीक है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे टच में रहेंगे जिससे आपको फ्री क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लेट्स ऑल्सो टॉक अब अबाउट अन अकेडमी बिफोर स्टार्टिंग द होल क्लास सो देखो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या सब बेस्ट तरीका क्या है बेस्ट तरीका ये है दैट यू प्रिपेयर थ्रू अन अकेडमी अन अकेडमी के थ्रू प्रिपेयर करने का बेनिफिट क्या है डेली लाइव क्लासेस टेस्ट क्वेज अनलिमिटेड एक्सेस टू द होल प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ को स्ट्रक्चर्ड है तो रेगुलरिटी बनी रहेगी टेस्ट होते रहेंगे तो आप अपने आप को चेक कर सकेंगे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे तो कुछ मिस आउट नहीं होगा और एक्सेस रहेगा तो रिवीजन होता रहेगा ठीक है so, सो यही चार चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको अपना एग्जाम क्रैक अगर करना है तो और ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी साथ ही साथ समझे इस चले अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करते हैं ये क्लासेस आपको बेनिफिशियल लगती हैं देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज़ आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे उस ऐप

दो सब्सक्रिप्शन के टाइप हैं ठीक है आइकॉनिक और सरप्लस दो सब्सक्रिप्शन के टाइप हैं दोनों में से आपको जो बेटर सूट करे आप वो ले सकते हैं आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप एक्स्ट्रा मिल जाएगी ठीक है ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं गो थ्रो इट वंस टेस्ट हो रहे हैं फ्री टेस्ट हैं ये देते रहें ज्यादा से ज्यादा ये नई बैचेज हैं जो ट्वेंटी फोर्थ मार्च से स्टार्ट हो रही हैं तो जब भी आप ज्वाइन करें uh, पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म उसके बाद आप इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है कॉम्बैट के लिए अपने आपको रजिस्टर कर लें ट्वेंटी को अगला कॉम्बैट है ठीक है चलो अब आ जाते हैं सीधे क्लास पे अभी तक किसी को कोई इशू कोई क्वेरी हाय विजय हाय हाय दीपा हाय प्रशांत निशांत हाय चलो विजय गुड इवनिंग गुड इवनिंग विजय चलो भाई विजय खुश हैं आप विजय परेशान हो गए यार गुड इवनिंग कह के हम या विजय एक्चुअली इंट्रो कर रहा था मैं सो स्मॉल लाइक कि पहले इंट्रो ढंग से कर लेते हैं फिर बात करेंगे चलो शुरू करते हैं सो so, आपके पास सामने जो लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन ऑन द टॉप दिख रहा है तो अगर आप ध्यान से देखिए दो मिनट समझ लीजिए इसको मैप समझने से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं तो आप गजनविद एम्पायर देख रहे हैं कौन सा एम्पायर गजनविद एम्पायर ये ध्यान से देखिए ये ठीक है ये रहा आपका गुजरात ठीक है ये रहा आपका राजस्थान ये रहा आपका पाकिस्तान का सिंध और ये देखिए ऊपर की ओर ठीक है ये पूरा ऐसा एम्पायर है जो अफगानिस्तान में इसका बेस है और ईरान पे भी उनका कंट्रोल है ठीक है ऊपर सेंट्रल एशिया में उनका कंट्रोल है इंडिया के नॉर्थ में भी कंट्रोल है और पाकिस्तान में पूरे का पूरा है पा ऑलमोस्ट ठीक है सिंध वाले एरिया को छोड़ के तो ये पूरे का पूरा कौन सा एम्पायर है ये है गजनविड एम्पायर जो गजनी से चलता था ठीक है जो गजनी से चलता था, था बिटवीन 975 एंड 1187 ये पूरा का पूरा पीरियड है जहां से आपको समझना है कि ये कौन सा एम्पायर है ये कहां से चल रहा है अब देखिए कुछ चीजें जितने भी इस्लामिक रूलर थे ऑलमोस्ट वन थाउजेंड एटी के आस पास वो क्या करते थे वो कैलिफ की बात मानते थे और ये वो ऑटोमन वाले कैलिफ नहीं है ये बगदाद वाले कैलिफ है ठीक है कैलिफ ने क्या किया कैलिफ यानी हिंदी में जिनको खलीफा भी कहते हैं ठीक है ऑटोमन वाले इस्तानबुल वाले खलीफा नहीं बगदाद में जो बैठते थे ठीक है खलीफा ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई देखो हर एक किंग अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने कंट्रोल में लाना चाहता है तो कैलिफ ने कहा कि भाई ये हमें भी करना है कैलिफ ने इसका तरीका क्या निकाला कैलिफ ने ग्रांट कर दिया टाइटल आमिर उमरा का ठीक है आमिर उमला उमरा का टाइटल का मतलब क्या है आप जगह जनरल हैं जो कैलिफ़ को रिपोर्ट कर रहे हैं अगर कैलफ के अंदर आप काम कर रहे हैं आप एक काम करें आप जाएं और जिस एरिया पे भी आप कब्ज़ा करेंगे वो एरिया आपके अंदर डाल दिया जाएगा जिस भी एरिया पे आप कब्ज़ा करेंगे वो एरिया आपका ठीक है आप उसको रन करिए बस आप कैलिफ के नाम का खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ लीजिए खुतबा पढ़ना क्या होता है खुतबा पढ़ना मीन्स आपने एक प्लेज ले ली ओथ ऑफ एलिजियंस कह लीजिए क्या कह लीजिए ये वर्ड याद कर लीजिए ये एग्जामिनेशन में पूछा सकता है खुतबा ठीक है मेडिवल और एंशंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप उसको एक वर्ड दे देंगे और उसका मतलब ही पूछ देंगे ठीक है ओर्थ ऑफ एलिजियंस ठीक है ओर्थ ऑफ एलिजियंस खुतबा खुतबा पढ़ना क्या होता है देखिए ये खुदबा वर्ड आपको बार बार सुनाई देगा कि आ, पर्टिकुलर छोटे जमींदार ने किसी एक राजा ने मुगल शहन का शहनशाह का खुतबा पढ़ दिया खुदबा पढ़ना मतलब अपना ओथ एक अलिजेंस देना कि भाई हम उनको फॉलो करेंगे वो मेरे सॉब्रेन है इस तरह का कॉन्सेप्ट तो कैलिफ ने क्या कहा कैलिफ ने कहा कि भाई हम तो बगदाद में बैठे हैं आप जाएँ सारे जनरल्स को जिस भी डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ पे जो एरिया कैप्चर करना है करिए वो क्या एरिया आप कैप्चर करेंगे उस एरिया को आप रन करेंगे अगर आपने एरिया कैप्चर किया आपको वहाँ का गवर्नर टाइप बना दिया जाएगा और उसको बाद आप उसको रन करिए आपको आमिर उल उम्र का खिताब दे दिया जाएगा और द ओनली थिंग इज कि आप कैलिफ के लार्जर एम्पायर के पार्ट रहेंगे तो बहुत सारे लोग खुश हो गए ठीक है अब देखो यहां पे वेरी लेस इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द एक्सपेंशन ऑफ टर्किश स्टेट इन द पीरियड बिकॉज ऑफ द गुजरा प्रतिहारा एम्पायर अब ये एंशंट का लास्ट एंशंट जब हम पढ़ते हैं एंशंट हिस्ट्री तो उसका लास्ट जो पॉइंट है वो है गुजरात पतिहारा किंगडम और ये इंडिया के पूरे सेक्शन में गुजरात और मारवाड़ के आसपास तक के एरिया में गुजरात पतिहारा एम्पायर का इम्पैक्ट था जिसके कारण कोई भी कोई भी इस्लामिक पावर जो था वो ईस्टवर्ड मूव नहीं करते थे क्यों नहीं करते थे क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी पावर थी बट जैसे ही 1000 थाउजेंड के आसपास गुजरा ये कभी नहीं होता था लेकिन 1000 थाउजेंड के आसपास जब गुजरा प्रतिहारा के एंपायर की पावर कम हुई तो इट वाज ओपन एंडेड कि अब आप इंडिया पे अटैक कर सकते हैं जो भी मेन लाइन इंडिया अभी जो है उस पर आप अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे फिर देखते हैं आप असर होना शुरू होता है और बार बार अटैक होने शुरू होंगे अब यहाँ पे एक नया एक और नाम सुना देगा आपको जिसका रहते हैं अलप तिगिन ठीक है अल तिगिन भी कहेंगे अलप तिगिन भी कहेंगे जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक रहे और ये याद रखिए कि आप जब एन पढ़ेंगे ठीक है एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है मेडिवल हिस्ट्री की तो पढ़ लीजिए और उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी अल्पिगिन या अल्पिगिन जो है वो एक टर्किश स्लेब थे हु वॉज द समानित गवर्नर फॉर्म कैपिटल एट गजनी एंड स्टार्टेड गजनवाइट डायनेस्टी अब देखो यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज स्लेव वाला कॉन्सेप्ट क्या है गवर्नर और वो भी स्लेव ठीक है जो कैलिफ थे कैलिफ यानी खलीफा अपने पास अपने स्लेव रखते हैं उनके जो स्लेव्स हैं वो बहुत हाई हाई पोजीशन पे भी सर्व करते हैं ठीक है दे आर एक्सट्रीम जस्ट आंसरेबल टू द कैलिफ एंड नो वन एल्स और वो सिर्फ स्लेव का मतलब ये नहीं है कि घर पे झाड़ू मरवाएंगे स्लेव से ठीक है स्लेव बहुत ज़्यादा हायरकी में ऊपर तक जाते हैं स्लेव्स को आफ्टर अ सम टाइम उनको ये भी परमिशन मिल जाती है कि वो शादी कर सकते हैं अपने बच्चे रख बच्चे शादी प्रॉपर्टी सब कुछ रख सकते हैं द ओनली थिंग इज दे आर आंसरेबल टू द कैलिफ ठीक है तो इसी में से एक स्लेव थे जिनका नाम था अलप तिगिन जो एक टर्किश स्लेव थे ठीक है और उनको समानित का गवर्नर बना दिया गया ठीक है उन्होंने अपनी गजनी में कैपिटल बनाई और वहां से फिर पूरी की पूरी डायनेस्टी जो डेवलप हुई उसको कहते हैं गजनवाइट डायनेस्टी ठीक है अब इसी डायनेस्टी में गजनवाई डायनेस्टी में महमूद बने नए बादशाह ठीक है कब बने 998 एडी याद करिए महमूद कब बने आपने नाम सुना होगा महमूद ऑफ गजनी सुना है नाम महमूद ऑफ गजनी ये नाम सुना है किसी ने क्लास में अरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताए महमूद ऑफ गजनी सुना है किसी ने नाम महमूद ऑफ गजनी पावर ने कब आए 998 एडी फाइन 998 एडी और एक हजार तीस एडी तक उन्होंने रूल किया यानी बत्तीस साल तक उन्होंने रूल किया अब गजनी महमूद ऑफ गजनी क्यों कहा जाता है क्योंकि गजनवाई डायनेस्टी की कैपिटल थी गजनी और वहां से वो रूल करते थे नाम था उनका महमूद अलब तेगिन की फैमिली से आ रहे थे इतना ही आपको पता करना है ठीक है अब अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो एक चीज और याद कर लीजिए कि भाई जो पेशावर के आसपास का एरिया है काबुल पेशावर ये पूरा एक एरिया है ना जलाबाद काबुल पेशावर इस मैप में अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया देखिए ये एरिया ठीक है यहाँ पे एक डायनेस्टी थी जिसको कहते हैं यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक डायनेस्टी है जिसको आप कहेंगे हिंदू शाही डायनेस्टी ठीक है हिंदू शाही डायनेस्टी यहाँ पे खाली शाही डोमिनेंस लिखा हुआ है देखिए शाही डोमिनेंस यहाँ पे हिंदू शाही डोमिनेंस था ठीक है अब फिरदौस ने किताब लिखी थी शाहनामा ठीक है जिसमें बहुत सारी ये बाद में किताब आई किताब 14, 15 में है किताब फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी में आई इसमें एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है एक पूरी कहानी लिखी हुई है वो कहानी क्या है कि ये शाहनामा जो है वो एक पूरी स्टोरी है और स्टोरी के हीरो कौन है अफ्रशियाब ठीक है जैसे इंडिया में क्या होता है इंडिया में जब आप क्षत्रियों का पूरे का पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप दो चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई या तो सूर्यवंशी क्षत्रिय होंगे या फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय होंगे यही दो चीज़ पढ़ते हैं आप ठीक है सबको पता है इतना कि भाई कई सारे क्षत्रिय होते हैं जो कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं कुछ कहते हैं हम चंद्रवंशी हैं जो सूर्यवंशी होते हैं वो अपने आप को सीधे राम से कनेक्ट करते हैं कि वही हमारी हमारी जो हिस्टोरिकल लीनियज है वो सीधे राम के पास जा रही है कुछ कहते हैं कि हम गॉड सन से इवॉल्व हुए हैं ठीक है इस तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं तो इस्लामिक रूलर्स में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट हैं ऐसा नहीं है कि इस्लामिक रूलर्स में इस तरह की कहानियां नहीं है क्योंकि अगर आपको किंग बनना है तो आपको कहीं से लीनियज लेके आना पड़ेगा क्या अथॉरिटी है आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का भला कर सकते हैं जो देश को रूल कर सकते हैं आप ही को क्यों बनाया जाए तो लोगों को लीनियज की जरूरत होती है एक्सप्लेन करने के लिए और हिंदू रूलर्स के लिए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ठीक है रिशा यश मैं मैं एन के भी पॉइंटर्स में बताते जा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बहुत एसेंशियल होती है बिना एनसीईआरटी के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी वाले जो पॉइंट्स हैं पहले ठीक है चलो अब देखो क्या हुआ फिदोश का शाहनामा जो किताब थी उसमें ईरानियनसांस के बारे में लिखा गया और उसमें एक कैरेक्टर है जिनका नाम है अफ्रशियाब ठीक है अब जो भी नया रूलर आएगा उसको अगर अपनी डोमिनेंस बढ़ानी है अपनी पावर बढ़ानी है तो वो क्या कहेगा वो कहेगा कि वो किसी बड़े पुराने लीडर से कनेक्टेड है ठीक है पुराने किसी राजा से कनेक्टेड है जैसे हिंदुओं में क्षत्रियों में मैंने आपको बताया लोग कहते हैं कि वो राम के वंशज हैं उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे शाहनामा में क्या होता है कहानी आई अफ्रशियाब की अब जो भी किंग आएगा अगला वो देखिए वो अपने आप को अब का वंशज कहेगा वो कहेगा कि वो अफ्र की फैमिली से आ रहा है अफ्र की लीनियत से आ रहा है ये गजनी महमूद और गज़नी ये चीज़ें शुरू करेंगे और ये आपको तुगलक के टाइम्स तक दिखेगी ये सिर्फ मुग़ल जब आएंगे तब आप ये अफ्र वाली कहानी सुनना बंद करेंगे और वो भी क्यों क्योंकि मुग़ल अपने आप को तैमूर ठीक है तैमूर का के लीनियत से बताते थे तो अब वो अगर तैमुराइड हो गए तो अफरशियाब की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तैमुराइड्स अपने आप में खुद एक नाम थे लेकिन अफरशियाब 1000 एक हज़ार ए डी में तैमूर थे ही नहीं तैमूर खुद तेरह सौ में आए ठीक है सो इसलिए अफ्रशियाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगले 500 साल तक जो भी बड़ा किंग इंडिया का बनेगा बादशाह बनेगा वो हमेशा अपने को अथॉरिटी में लाने के लिए अपनी पावर जमीन में बताने के लिए खुद को बताएगा दैट आई एम कमिंग फ्रॉम द लीनियज ऑफ अफ्रशियाब जो कहानी आपने शाहनामा में पढ़ी होगी ठीक है so, सो ये अफ्रशियाब का नाम इसलिए याद होना चाहिए पता होना चाहिए चलिए महमूद गजी क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम द लेजेंडरी टुरानियन किंग अफ्रशियाब महमूद फोर्ट हिंदूशाही रूलर जो मैंने आपको शाही बताई हिंदूशाही की कैपिटल कहाँ पे थी पेशावर ठीक है वहाँ के जो लोकल रूलर थे उनका नाम था जयपाल उनसे लड़ी लड़ाई लड़ी महमूद अफ गजनी ने उसके बाद फिर उनके जो बेटे थे आनंदपाल उनकी कैपिटल थी वाहिंद ठीक है पेशावर का ही नाम नाम था पहले वाहिंद ठीक है वाहिंद अब महमूद अफगानी इनके ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे देखो ये जो ट्राइब्स रहती थी अफगानिस्तान में ये बहुत बार ऐसा करती थी कि आपने किसी बगल के राज्य को इन्वेड किया वहाँ से चीज़ें लूटी और वापस आ गए ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा होती थी ये आपको मराठास भी करते दिखेंगे जैसे मराठास जो थे वो पेशवा शाही के त्योह से चल ही रहे थे बट वो वहाँ से निकलते थे आगे जाते थे कभी मैसूर में लूट मार मचाई कभी बंगाल निकल गए कभी हैदराबाद के एरिया में डक्कन के बाकी राज्यों में वो गए और लोगों को लूट लिया ये चीज़ें पहले सारे राजा करते थे तो उसी तरीके से महमूद अब गजनी जो हैं उनकी भी एक सिंपल सी आदत थी कि भाई अपने लोगों पर अफगानिस्तान में टैक्स मत बढ़ाओ ठीक है अपने लोगों पर टैक्स मत बढ़ाओ बगल के राज्य को जाओ लूट लो और उनके पैसे से फिर अपना राज्य चलाओ ठीक है सो उसी पूरे सिस्टम के अंदर महमूद ने कई बार हिंदू शाही जो डोमिनेंस था टेरिटरी थी उसको इन्वेड किया जयपाल उसके पहले रूलर थे फिर जयपाल की डेथ हो गई उनके बेटे आनंदपाल रूलर बन गए और महमूद ने वाहिंद पे अटैक किया वाहिंद को पूरा तोड़ दिया पूरा लूट के वो वापस चले गए इसके बाद आप देखेंगे हर एक साल दो साल बाद महमूद जो है वो अलग अलग एरियाज को अटैक करेंगे ठीक है जैसे कि 1018 में महमूद जो है पहले उन्होंने 1017 में उन्होंने थानेश्वर को अटैक किया थानेश्वर कहां है हरियाणा में एक जगह है थानेसर सबको पता है हरियाणा में एक जगह है थानेसर ठीक है उसी को पहले थानेश्वर कहते थे संस्कृत वर्ड ठीक है वहां पे महमूद ने पहले अटैक किया और थानेश्वर में जीतने के बाद लोकल रूलर्स को हराने के बाद वो कन्नौज की ओर चले गए और कन्नौज पे उन्होंने कब्जा कर लिया 1018 हज़ार में अब कन्नौज स्पेसिफिकली इसे लिखा हुआ है कि देखें कन्नौज अभी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से आपको पता होगा अब कन्नौज जो है वो नॉर्थ इंडिया के सेंटर पर एग्जिस्ट करता है बैक इन द डे जब आगरा एक बड़ा शहर नहीं था जब दिल्ली एक बड़ा शहर नहीं था तो नॉर्थ इंडिया का बड़ा शहर कौन सा था कन्नौज कन्नौज के लिए पहली भी पर टाइट लड़ाई हो चुकी है पाला डायस्टी राष्ट्रकूट के बीच में ठीक है और हर्षवर्धन की वर्धन डायनेस्टी के बीच में इस तरह की लड़ाईया कन्नौज को लेके बहुत सारी हुई हैं लेकिन 1018 पे जब महमूद गजनी ने कन्नौज पे अटैक किया उसे एक चीज तो पक्की हो गई कि अब मुस्लिम डोमिनेंस नॉर्थ इंडिया में बढ़ेगा अभी तक वो इन्वेड करते थे वापस चले जाते थे अब एक तरीके से नॉर्थ इंडिया की कैपिटल थी कन्नौज ठीक है नॉर्थ इंडिया की कैपिटल थी कन्नौज और उस पर इफेक्ट होगा महमूद गजनी का ठीक है इसके बाद आपने अगली ये वाली कहानी तो सुनी होगी सबने कि महमूद अब गजनी ने सोमनाथ पे अटैक किया था तो बिल्कुल सोमनाथ पे एक हज़ार पच्चीस ए डी वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ए डी में सोमनाथ पे अटैक किया महमूद ने और महमूद लेकिन ये था कि वो चीज़ें लूट के वापस चले जाते थे तो महमूद की डेथ हो गई एंड आफ्टर महमूद डाइड उनकी जो पूरी की पूरी गजनवाई डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई अब क्या हुआ कुछ दिन बाद एक नई डायनेस्टी डेवलप हुई जिसका नाम था सेलजुग डायनेस्टी कहाँ पे थी ये डायनेस्टी नई डायनेस्टी जो थी क्योंकि गजनवाइट डायनेस्टी तो महमूद की देथ के बाद धीरे धीरे डिग्रेड हो गई ओके नई डायनेस्टी कहां डेवलप हुई ईरान सीरिया ट्रांस ऑगजीनिया ये जो एरिया है यहां पे एक नई डायनेस्टी डेवलप हुई सेलजुक डायनेस्टी ठीक है सेलजुक डायनेस्टी के बढ़ने की वजह से ठीक है गजनवाइट डायनेस्टी की पावर कम होने लगी एक और गजनी अब गजनी की डेथ हो गई तो बड़ा कोई राजा नहीं बचा पावरफुल राजा और बगल में एक और बड़ी रियासत बनने लगी तो छोटी रियासत हो गई गज़नवाइट की और गजनी डायनेस्टी जो है वो मात्र गजनी में रह गई और कुछ हिस्से पंजाब के पंजाब कौन से जिसको अब हम पाकिस्तान में मानते हैं वो एरिया सिर्फ गजनवाइट्स के पास रह गए ठीक है अब एक बार हम पूरी लिस्टिंग देख लेते हैं कि कब कब गजनी ने कौन कौन सी जगह पे अटैक किया था ठीक है क्योंकि महमूद ऑफ गजनी के अटैक की कहानी ठीक है अटैक क्या इन्वेजन की कहानी उनके लूटने की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है हर इंसान हर जगह पढ़ता है लेकिन इन डिटेल वो नहीं पढ़ता उसको बस ये पता है कि हाँ महमूद अफ गज़नी ने कई बार आ, गुजरात में गए थे और सोमनाथ टेम्पल को लूटा था हाँ जी और कहाँ कहाँ चीज़ों को लूटा था और क्या क्या हुआ था वो भी आपको जानना पड़ेगा ठीक है वो वाला जो सब पढ़ते हैं वो तो व्हाट्सअप ज्ञान हो जाता है लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सीरियसली पता होना चाहिए दैट हु वॉज गजनी ओके वॉट ही वॉज एक्चुअली प्लानिंग वाई ही वॉज इन्वेडिंग ऑल दीज प्लेसेज ठीक है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तो अब चले इसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने अटैक किया ओके चलो महमूद गजनी इन्वेटेड भटिया भटिया कहाँ पे है जामनगर जामनगर सबको पता है गुजरात के पास भटिया वहाँ पे था उसको 1005 एडी में उन्होंने इन्वेट किया 998 एडी में वो पावर में आए उसके सात साल बाद उन्होंने भटिया पे इन्वेट किया लूट के वापस चले गए अगले साल उन्होंने मुल्तान को इन्वेट किया मुल्तान कहाँ है अगर आप पाकिस्तान का मैप आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहावलपुर के बगल में सदर पंजाब का जो हिस्सा है उसको मुल्तान कहते हैं वहां पर उन्होंने एक हज़ार को इन्वेट किया इसी टाइम आनन्द पाल से भी उनकी लड़ाई हुई ठीक है महमूद ऑफ गजनी अटैकड एंड क्रश सुख पाल रूलर ऑफ भटिंडा इन एक वन थाउजेंड सेवन ए अब अगर आप मैप देखें तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान अगर आप अफगानिस्तान की ओर से चलेंगे तो पहले आप पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आएंगे और फिर इंडिया के पंजाब प्रोविंस में यही होगा तो एक्जैक्टली वही गजनी भी कर रहे थे कि भाई निकले पहले उन्होंने पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पे मुल्तान है मुल्तान को लूटा वापस चले गए अगले साल वापस से आए और पिछली बार मुल्तान लूट चुके थे तो उसी रास्ते से होते हुए भटिंडा निकल गए और भटिंडा को 1007 में लूटा गजनी ने इसके बाद नगर कोट पर अटैक किया जो पंजाब और हिमाचल वाली हिल्स वाला एरिया है ठीक है वहां पर अटैक किया वन थाउजेंड में हिंदू शाही किंगडम पर अटैक किया आनंदपाल को हराया वाहिंद में बैटल हुई थी इसके बाद एक में उन्होंने थानेश्वर पर अटैक किया यानी हरियाणा पे अगले साल उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया एक हजार एडी में ठीक है उसके बाद उन्होंने लोकल रूलर थे चंद्रपाल मथुरा के उनको एक में हरा दिया क्वालिशन बना के उनके पूरी क्वालेशन को महमूद कॉन्कर्ड कन्नौज इन वन थाउजेंड इंपॉर्टेंट बाई डिफीटिंग चंडेला गौराज ठीक है जो चंडेला रूलर्स थे ठीक है उनको हराया महमूद ने एक हजार इक्कीस वन थाउजेंड ट्वेंटी वन एडी में कहां पे कन्नौज में ओके ही इनवेडेड एंड कॉन्कर्ड ग्वालियर इन वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एडी अटैक द सोमनाथ टेम्पल इन थाउजेंड ट्वेंटी महमूद गजनवी डाइड इन थाउजेंडी डू टू मलेरिया ड्यूरिंग कर रहे थे तभी उनको मलेरिया हो होगी और मलेरिया से उनकी डेथ होगी फाइन समझ में आ गई बात ये बात समझ लीजिए यहां तक डिस्ट्रॉइड द टेम्पल्स ऑफ सोमनाथ कांगरा मथुरा ज्वालामुखी एंड सो कॉल्ड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आइडल ब्रेकर ठीक है मूर्ति पूजन का विरोध करते थे और इसीलिए क्योंकि वो जिहाद के नाम पे अपने साथियों को ले आते थे मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग ना अगर आप हर साल अगर आप हर साल एक साल किसी को चलो भाई अटैक कर है किसी पे आपके साथ पचास लोग आ जाएंगे अब आप कुछ दिन बाद फिर करो चलो फिर चलना है अटैक करने फिर उसके आपके साथ तीस लोग आएंगे उसके बाद अगली बार आपको कहें चलो फिर चलना है अटैक करने फिर लोग कहेंगे हो गया बस बहुत कर लिया अटैक अब आराम से बैठो ठीक है सो so, उसका सॉल्यूशन क्या है उसका सॉल्यूशन है कि आप रिलीजन के नाम पर लोगों को निकालें एंड दैट इज़ वाई महमूद गजनवी यूज जिहाद ठीक है कि वो काफिर हो के अगेंस्ट टाइप जिहाद कर रहे हैं वाली बात ओके एंड दैट्स वाई ही हैड सच अ मास बेस जो हर साल उनके साथ अटैक करने आ जाते थे ठीक है सोमनाथ कांगरा मथुरा इन सारे टेम्पल्स को उन्हीं ने तोड़ा और तोड़ने के पीछे रीजन भी यही दिया आइडल ब्रेकर होने के साथ जैसे ही वो मूर्तियां तोड़ेंगे तो वो एज अ रिलीजन के लिए होली वॉर कर रहे हैं ठीक है तो ये सारे के सारे आइडियाज ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं पता होने चाहिए गॉड एड चलो अब हम थोड़ी सी राजपूत की बात कर लेते हैं क्योंकि यही वो टाइम है जब राजपूत भी डेवलप किए इवॉल्व किए ऐसा नहीं है राजपूत तो पहले से इंडिया में थे ठीक है राजपूत की ओरिजिन को लेके अभी भी इश्यूज़ हैं कि वेदर राजपूत व ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने आउटसाइडर्स से शादी कर ली एंड दैट्स हाउ दिस रेस वॉज फॉर्म ठीक है पूरी लीनियज या फिर दे आर आउटसाइडर्स हु केम टू इंडिया ये इशू अभी भी चल रहा है अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग स्टैंड लेते हैं अभी हमें क्या समझना है राजपूत जो हैं वो जो लॉल जो रूलर्स थे राजपूत रूलर राजस्थान और आसपास के एरिया में उन्होंने 1000 थाउजेंड के बाद अपने आप को कैसे डेवलप किया क्योंकि राजपूत रूलर्स जो हैं देखें एक और पाला डायनेस्टी चल रही थी बंगाल से ठीक है वर्धन डायनेस्टी चल रही थी हरियाणा से थानेश्वर और कन्नौज के बीच में ठीक है राष्ट्रकूट जो थे वो नीचे साउथ डेकिन से रन कर रहे थे चीजों को भाई राजपूत जो थे ये कौन थे ये सिक्स से वन थाउजेंड के बीच में राजपूत वर ऑल फ्यूडिशरीज फ्यूडिशरीज मतलब बड़े जमींदार जो होते हैं लोकल रूलर्स के बड़े गौड़ा रूलर्स जैसे थे चंडेला रूलर्स गौड़ा रूलर्स इनके जमींदार हुआ करते थे ये राजपूत ठीक है अब 600 हंड्रेड से लेकर ठीक है 1000 थाउजेंड एडी के बीच में इन्होंने अपने आप को डेवलप किया ठीक है सो दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड ड्रामा और लॉर्ड कृष्णा वट देखो अलग अलग चूजिंग जो मैंने आपको बताया कुछ जो है वो अपने आप को लॉर्ड ड्रामा से कनेक्ट करते हैं लीनियज में कुछ लॉर्ड कृष्णा से कनेक्ट करते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि दे एक्चुअली केम आउट ऑफ द होली फायर एट माउंट आबू अग्निकुल थियोरी ठीक है माउंट अबू में एक होली फायर है जिससे वो कहते हैं कि उनका जन्म हुआ है उनकी लीनेज वहां से आ रही है ठीक है वट एवर इज ट्रोथ नो वन नोज परसेप्शन की बात है बस समझ लीजिए क्या कहते हैं ठीक है राजपूत बिलोंग टू द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड राजपूत पीरियड वॉज सिक्स हंड्रेड सेवन एडी टू ट्वेल्व हंड्रेड एटी फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्ष हर्षवधन ठीक है हर्षवर्धन जो थे उनकी 647 648 एडी में उनकी डेथ हुई जब उनकी डेथ हुई तो ये सारे राजपूत जो हर्षवर्धन डायनेस्टी में फ्यूडिशरीज बने हुए थे बड़े जमींदार बने हुए थे उन्होंने अपने एरियाज को क्लेम करना शुरू किया एंड बाय ट्वेल्थ सेंचुरी ए दे बिकेम द सॉवरेंट रूलर स्मॉल स्मॉल सॉवरन रूलर ऑफ देयर देयरपेक्टिव एरियाज ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई एक सेक्शन में दे बिलोंग टू द एंशियंट क्षत्रिय फैमिली एंड यूजर्ड टू बी फॉरनर्स ठीक है जो मैंने आपको बताया कि इनके बारे में दो अलग अलग स्कूल ऑफ हैं एक स्कूल ऑफ थाट यह कहता है कि राजपूत एक्चुअली फॉरनर्स हैं जो इंडिया में शिफ्ट हुए थे और उसके बाद वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडी में दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि राजपूत ओरिजिनल इंडियन इन्ेबिटेंट्स थे जिन्होंने आउटसाइडर्स से यूजुअली शादियां की और ओवर द पीरियड जो है ये पूरी एक नई लीनियज बन के सामने आई अब जो इंपॉर्टेंट राजपूत की लीनियज है वो कौन कौन सी हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिहारा प्रतिहाराज वर एक्टिव बिटवीन एट सेंचुरी एंड एलेवेंथ सेंचुरी एडी डी प्रतिहाराज वर एक्टिव बिटवीन एट एंड एलेवन्थ सेंचुरी एडी डी तीन साढ़े तीन सौ साल तक ठीक है प्रतिहाराज वर ऑल्सो कॉल्ड एज गुलजरा एंड दैट्स वाई यू कॉल्ड एम गुलजरा प्रतिहारा था 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 ओके okay? गुजरा प्रतिहारा हमेशा वर्ड साउंड में सुनते होंगे गुजरा प्रतिहारा दे रूल्ड बिटवीन एट एंड इलेवन सेंचुरी एडी ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न इंडिया ठीक है प्रतिहारा स्टूड एज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया जो मैंने अभी आपको बताया गजनी गजनवी एम्पायर से महमूद ऑफ गजनी इंडिया पे क्यों नहीं अटैक कर रहे थे एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि गुजरा प्रतिहारा इंडिया में एक्टिव थे जब उनकी पावर कम हुई तभी उन्होंने अटैक किया इसके पहले सिंध के पहले इस्लामिक रूलर कौन थे चुनैद ठीक है क्योंकि इंडियन सब में इस्लाम सबसे पहले अरेबियन सी के थ्रू सिंध में ही आया था सबसे पहले जो किंग आए उनका नाम था जुनैद ऑफ सिंध 725 ट्वेंटी एडी वो भी कभी भी उन्होंने सिंध से आगे बढ़ के गुजरात मारवाड़ राजस्थान के इलाके होते हुए इंडिया बाकी के जो अभी मेन लैंड इंडिया है उस पर कटैक करने की कोशिश क्यों नहीं की क्योंकि बिकॉज ऑफ गुजरा प्रतिहारा एम्पायर और उनकी पावर ठीक है तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखो प्रतिहारा डायनेस्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रतिहारा डायनेस्टीज के जो बड़े रूलर्स हैं उनकी बात कर लीजिए अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है आपको क्या समझना है कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से रूलर थे और उन्होंने अगर कोई स्पेसिफिक बड़ा काम किया होगा तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट बड़ा इशू ठीक है सो तो सबसे पहले नाम आएगा, आएगा आपके सामने नागा भट्ट नागा भट्ट फर्स्ट नागा भट्ट फर्स्ट सेवन से सेवन हंड्रेड के बीच में ओके हु वॉज नागा भट्ट ही वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतियहारा डायनेस्टी अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं प्लीज लेके बैठिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए प्रतिहारा डायनेस्टी एंड आई रिपीट अगेन इसको कहीं नोट कर लीजिए द प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई नागा भट्ट ओके द प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई नागा भट्ट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एर्थ सेंचुरी ठीक है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एर्ट सेंचुरी देयर कैपिटल वॉज कन्नौज ओके देयर कैपिटल वॉज कन्नौज हाय जय हिंद अभिजीत चलिए यहां तक हो गया वस्त्र एंड नागा सेकंड ओके वस्त्र दे आर अगेन नेक्स्ट इन लाइन नागा के फर्स्ट के बाद आगे जो किंग बने पहले वस्त्र बने फिर उसके बाद नागा सेकंड बने ओके दे आल्सो प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल पूरे के पूरे एम्पायर को बड़ा करने में 725 एडी के बाद तो बेसिकली क्या होगा आप देखते हैं सिक्स सेवनटी तक सिक्स फोर्टी तक Uh, हर्षवर्धन रहते हैं और वर्धन डायनेस्टी बनेगी ठीक है हर्षा की डायनेस्टी कहते हैं कई लोग हर्षवर्धन की वर्धन डायनेस्टी कहते हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया को वो कवर करेंगे ठीक है हर्षवर्धन यूज टू बी कंसिडर्ड एज द द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया नर्मदा के ऊपर पूरा हिस्सा हर्षवर्धन हर्षवर्धन के पास था ये तो पता है आपको ठीक है तो वर्धन डायनेस्टी खत्म होने के बाद 647 फोर्टी एडी से 725 ट्वेंटी एडी के बीच में कोई बड़ा किंगडम नहीं था उसके बाद प्रतिहारा में नागा ने किंगडम बनाया ठीक है इसके बाद अगले रूलर का नाम है मिहिर भोज मिहिर भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग ओके okay? और ये वही मिहिर भोज हैं जिनके टाइम पे प्रतिहारा रूल जो है वो कश्मीर से लेकर नर्मदा तक के पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया उन्होंने और कटियावाड़ से बिहार मतलब कश्मीर से नर्मदा ठीक है नर्मदा मतलब मध्य प्रदेश जिसको आप कहेंगे अभी और दूसरी ओर गुजरात से लेके गुजरात में भी कहा कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट से लेकर बिहार ठीक है ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो किसके अंदर आ गया मिहिर भोज के अंदर वो वज प्रतिहारा रूलर सो ये दो तीन नाम है जो आपको बहुत जरूरी है जानना नागा भट्ट फर्स्ट एंड मिहिर भोज सेकेंड सक, ओके सो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए अब देखें अगला रूलर बढ़े महेंद्र पाल सन ऑफ मिहिर भोज वॉज ऑल्सो अ पावरफुल रूलर नाउ कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ये सोचते हुए कि सर महेंद्र पाल तो पाल डायनेस्टी से होंगे लेकिन नहीं महेंद्रपाल पाल डायनेस्टी से नहीं थे महेंद्रपाल जो थे वो प्रतिहारा थे ठीक है ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल ऑल्सो और इस तरह से बंगाल भी कुछ दिन के लिए पाल डायनेस्टी के अंदर आ गया अब ये अगेन आई एम रिमाइंडिंग अगेन दिस थिंग देखें महेंद्र पाल जो है वो प्रतिहारा डायनेस्टी के हैं अब हम पाला डायनेस्टी पे जाएंगे ठीक है पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है गो तो ये भी मत समझिएगा कि महेंद्र पाल ने आगे जाके पाल डायनेस्टी बनाई नहीं महेंद्र पाल वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी ओनली ओके okay? अब देखिए इधर से देखिए पाला डायनेसी पे आइए एक इनके अभी महेंद्र पाल थे इधर भी आपको मिलेंगे तो अब देखिए पाला डायनेसी ने क्या किया पाला डायनेस्टी जो सबसे बड़े रूलर थे इनके जो फाउंडर थे इनके वो थे गोपाल ठीक है गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी सेवन से सेवन सिक्सटी एडी ओके सेवन सिक्सटी से 769 एडी okay? इनके में तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और वो क्या है दैट गोपाल फाउंडेड ठीक है द होल डायनेस्टी रूल्ड ओवर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया ओके ही एक्सपेंडेड द पाल डायनेस्टी एंड एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर मगध ठीक है सो पाल डायनेस्टी जो बंगाल से कंट्रोल होती थी उसमें देखेंगे आप कि दो अलग अलग एरियाज दिख रहे हैं एक द, धर्म पहले dynasty, धर्म पाल डायनेस्टी धर्मपाल के अंदर है और दूसरी देवपाल के अंदर है ठीक है जो ये वाली कलर है आगे डार्क कलर ये धर्मपाल के कंट्रोल की एरिया है और आप देवपाल में देखेंगे कि देवपाल के रूल में आते आते कश्मीर भी और कश्मीर के साथ साथ उड़ीसा ये दोनों एरिया जो है वो पाला डायनेस्टी में जुड़ जाएंगे तो पहले हम धर्मपाल की बात करते हैं और याद रखिए पाला डायनेस्टी के बारे में शायद क्वेश्चन भी आया था इस बार मेन्स एग्जामिनेशन में तो इन तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए ओके सो अब धर्मपाल सेवन से एट हंड्रेड एडी और समझे हम इसको जस्ट गिव मे वोमन धर्मपाल इज द सन ऑफ गोपाल फोर सक्सीडेड हिज फादर ओकेबाउट बंगाल बिहार एंड कन्नौज अंडर हिज कंट्रोल प्रतिहारास को इन्होंने हरा दिया इस तरीके से पादा डायनेस्टी पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने में केपेबल थी ठीक है बुद्धिस्ट थे खुद ही वॉज अ स्टेट फाद बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन सेवरेट मोनेस्ट्रीज इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बहुत सारा चंदा दान दिया ये चीज़ जो है वो आपको धर्मपाल के बारे में जानना जरूरी है कि बुद्धिज़म से किस तरीके का धर्मपाल का कनेक्शन था धर्मपाल के ही पैसे से इनोवेशन से जो इनिशिएटिव्स लिए गए धर्मपाल के पैसे से उसी का नतीजा था कि जो इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरी में बुद्धिज़म में ग्रोथ हुई वो कहाँ से हुई वो धर्मपाल के इन पैसों से हुई और वहाँ जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे वो जो पेटर्न बने थे उनसे हुई फाइन ये चीज पता होनी चाहिए अगले जो रूलर हैं उनके बारे में देख लीजिए अगले रूलर देवपाल 815 से 855 एडी ओके okay? देवपाल कौन थे धर्मपाल के बेटे थे एंड देयर फॉर सक्सेडेड हिज फादर ठीक है ही केप द पाला टेरिटरीज इंटैक्ट और असम और उड़ीसा पे भी इन्होंने कैप्चर कर लिया देवपाल के बाद के महीपाल एंड गोविंदपाल वाज़ द लास्ट रूलर बस इतना ही आपको समझना है जो मैं आपसे ट्राई स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा था क्योंकि ये मैं हम एंशंट में ही पढ़ लेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ठीक है सो तीन बड़े डायनेटीज़ थे जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे पहले राष्ट्रकूट जो कि बदामी से गवर्न होता था और कहाँ पे डेकेंस में था उन्होंने अपनी पावर आगे लाते आते नर्मदा क्रॉस की और कन्नौज पे कब्ज़ा किया कुछ दिनों के लिए इसी तरीके से प्रतिहा गुजरा प्रतिहारा जो कि एक तरीके से वेस्टर्न आ, इंडिया से बिलोंग करते थे लेकिन उन्होंने अपनी पावर बंगाल तक बढ़ाई और तीसरी पावर थी पाल रूलर्स जो गोपाल ने बनाया था उन्होंने भी कन्नौज तक अपनी पावर बढ़ाई तो ये रहा कन्नौज ठीक है एकदम बीचों बीच में और तीनों के तीनों साइड साथ में आके 750 एडी से 900 एडी यानी डेढ़ सौ साल तक इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक तरीके से कंट्रीज ही थी इन तीनों कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी दैट हु इज द एक्चुअल रूलर ऑफ द होल रीजन ठीक है सो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल फॉर कन्नौज द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज वॉज बिटवीन द प्रतिहाराज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द पालाज ऑफ बंगाल ठीक है राष्ट्रकुटास वॉन्टेड टू स्टैब्लिश द सुप्रमसी ओवर कन्नौज एंड द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन अब फर्टाइल गंगेटिक प्लेन की बात क्यों हो रही है फर्टाइल गंगेटिक प्लेन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय की इंडस्ट्री क्या थी याद रखिए इस समय की इंडस्ट्री ही एग्रीकल्चर थी अब हमें समझ में नहीं आता कई बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जाता नहीं है लेकिन याद रखें बैक इन दोज डेज द बिगेस्ट इंडस्ट्री वॉज एग्रीकल्चर और जिसके पास फर्टाइल लैंड है वही सबसे पावरफुल होगा क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उसी के सबसे ज्यादा होगा ठीक है सो दिस ऑल टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज दो अलग से आपको हमेशा पता होना चाहिए ठीक है चलो अब इसके बाद अगले जो क्षत्रिय रूलर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है वो कौन से वो हैं तोमर तोमर ऑफ दिल्ली ठीक है अब पहले समझिए प्रतिहारास के फ्यूडिशरी थे तोमर अब फ्युडिशरीज़ क्या होते हैं जो जमींदार होते हैं ना वो उस तरीके का ही एक पॉइंट होती है फ्युडिशरीज़ कहते हैं तोमल जो थे वो ऐसे समझ लीजिए प्रतिहारा की कोर्ट में काम करते थे उनके यहाँ नोबिलिटी में बिलोंग करते थे जब प्रत्याराज की पावर कम हुई जब प्रत्याराज़ की पावर कम हुई तो तोमल ने अपनी पावर बढ़ा ली ये एग्जैक्टली exactly वैसे ही होता है इसको अभी से अगर आप कंपेयर करें तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि देखिए जैसे पहले इंडिया में कांग्रेस पार्टी के रूल होती थी हर जगह हर स्टेट में भी कांग्रेस का रूल होता था सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब कांग्रेस कमज़ोर होने लगी तो आप देखते हैं कि कांग्रेस के ही जो पुराने लीडर्स थे वो कांग्रेस से टूट गए उन्होंने अपने राज अपने राज्य में अपनी अपनी पार्टी बना ली ठीक है ममता बनर्जी कांग्रेस से टूट के गई ठीक है शरद पवार कांग्रेस से टूट के गए तो आप देखेंगे कि क्या हुआ सारे जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के पार्ट थे जो कांग्रेस के जूनियर मेंबर थे उन्होंने अपने अपना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया ठीक है तो वही चीज़ तब भी होती थी तोमर्स जो कि प्रतिहारास की कोर्ट में नोबिलिटी में थे जब कोट की पावर कम हुई तो टोमस ने अपना जो ईयर एर ऑफ एर एरिया ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ठीक है वो एक नीश ऑफ इन्फ्लुएंस अपना कार्व कर लिया और वो कहाँ पे किया वो दिल्ली के आसपास किया और इस तरीके से पहली बार दिल्ली बनाई गई 736 थर्टी में ये भी याद करने वाली बात है क्योंकि दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सात बार तोड़ के बनाई गई है ठीक है सात अलग अलग शहर बसे हुए हैं दिल्ली में ठीक है दिल्ली की खासियत ये है कि दिल्ली सेवन थर्टी सिक्स एडी में इस तरीके से तोमर ने सबसे पहले बनाई थी ठीक है अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था महिपाल तोमर ठीक है उन्होंने थानेश्वर को कैप्चर कर लिया वही थानेश्वर जहां से हर्षवर्धन जहां के नेटिव थे हर्षवर्धन जहां से आते थे उसी थानेश्वर को महिपाल ने कैप्चर कर लिया हंसी नगरकोट का पूरा इलाका उन्होंने कैप्चर कर लिया 1043 थाउजेंड फोर्टी आते आते चौहान्स कैप्चर दिल्ली इन मिडल ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी एंड तोमस बिकेम देयर फ्यूडिशरी अब देखो अजमेर के चौहान जो हैं कुछ दिन बाद क्या हुआ तोमस उतने पावरफुल नहीं रह गए अजमेर के जो चौहान हैं वो वापस से आते हैं और अब वो तोमस को हरा के दिल्ली को वे कैप्चर कर लेते हैं और तोमस जो है पहले जिस तरीके से वो प्रतिहाराज के फ्यूडिशरी थे अब वो अजमेर में के चौहान के फिडिशरीज बन जाएंगे ये अजमेर के जो चौहान है यही आगे जाके मुस्लिम रूलर से लड़ेंगे और इनकी कहानियां आपको फिर पता है ठीक है नाउ हु चौहान्स चौहान ऑफ़ अजमेर कहिए या चौहान ऑफ दिल्ली देवर द फ्यूडिशरीज वो भी प्रतिहारास के पहले फ्यूडिशरीज थे जब प्रतिहारास की पावर कम हुई तो चौहान ने अपने आप को अजमेर में पहले बेस किया जब अजमेर में उनकी पावर बढ़ गई तो फिर उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम द परमार ऑफ मालवा एंड डेली इन द अर्ली पार्ट ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी दे शिफ्टेड देयर कैपिटल वेरी सून टू डेली बिकॉज दिल्ली से वो पूरी की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकते थे कन्नौज उनके हाथ में अभी भी नहीं आ पा रहा था पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी जिनके बारे में आप अलग से देखेंगे अभी हम आगे बात करेंगे जब अटैक होगा और पूरी की पूरी बैटल ऑफ तराइन और बाकी चीजें हम डिटेल में देखेंगे ठीक है अब कन्नौज के रूलर कौन थे पहले वो हम समझ लेते हैं फिर हम आगे आएंगे ठीक है कन्नौज के रूलर थे राठौड़ राठौड़ फैमिली जो थी वो कन्नौज को एक्चुअली रूल करती थी ओके और उन्होंने अपने लिए किंगडम जैसी चीज कारवाउट कर ली कन्नौज को बेस बना के वन थाउजेंड नाइनटी एडी में ठीक है और ये पूरे का पूरा रूल चला उनका 1194 तक तो तकरीबन तकरीबन 104 साल तक इन्होंने कन्नौज को रूल किया इसके बाद इनकी पूरी की पूरी एम्पायर का सबसे बड़ा रूलर कौन था कन्नौज की कन्नौज के जो राथौड़ थे राथौड़ों का सबसे बड़ा लीडर था जयचंद ठीक है जयचंद का नाम आपने सुना होगा ठीक है जयचंद का नाम आप यूजली कॉन्स्परेसी के लिए सुनते हैं लेकिन कन्नौज के जो सबसे बड़े रूलर थे उनका नाम जयचंद था और उन्होंने ही वो कॉन्सपेरेसी की थी जिसके बारे में हम बात करेंगे ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ छंदवर इन अलेवन नाइन्टी फोर बाई महमूद ऑफ गौरी ठीक है मोहम्मद ऑफ़ गौरी जो थे महमूद गौरी ठीक है मोहम्मद गौरी के हाथों जयचंद को मार दिया गया था बैटल ऑफ छंदवर में क्यों मारा गया था क्योंकि मोहम्मद ऑफ गौरी को अश्योरेंस दिया था जयचंद ने ठीक है और वो अश्योरेंसेस पूरे नहीं हुए हम डिटेल देखते हैं अभी चंडेला रूलर्स जो और जो बाकी बचे अब राजपूत रूलर पहले हम राजपूत रूलर्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम मोहम्मद गौरी को इन्वॉल्व करेंगे स्टोरी में फिर हम बैटल ऑफ तराइन देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 नाइन्टी वन सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 फिर हम पृथ्वीराज चौहान का आरस देखेंगे उसके बाद फिर हम आ, देखेंगे कि कन्नौज और कन्नौज के राठौर और जयचंद के साथ क्या हुआ वो सब हम अभी आगे देख रहे हैं पहले आप समझ लीजिए कि और कौन थे राजपूत रूलर जो एक्टिव थे इस टाइम तो बुंदेलखंड के एरिया में चंडेलाज थे ठीक है बुंदेलखंड के एरिया में चंदेलास थे स्टैब्लिश दमसेल्फ इन लाइन नाइन्थ सेंचुरी महोबा वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेलास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चीफ यशोवर्मन ठीक है कलंजर वॉज देर इम्पोर्टेंट फोर्ट चंदेलास बोल्डम फेमस फेमस कंडरिया महादेव टेम्पल इन वन थाउजेंड फिफ्टी ए डी ठीक है ये जो टेम्पल है इज अ नंबर ऑफ ब्यूटिफुल टेम्पल इन खजुराहो कंडरिया महादेव टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है अलग से आर्ट एंड कल्चर में इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा सो मेक श्योर कि इसको मार्क कर लें अलग से इसको पढ़ भी लें कुछ नहीं हो तो विकीपीडिया पर पे पेज खोल के इमीडिएटली क्लास के बाद पढ़ लेंगे कंडरिया महादेव टेम्पल के बारे में ठीक है परमार द लास्ट परमल द लास्ट रूलर वॉज डिफीटेड बाई कुतुबुद्दीन एबिक ओनली इन ट्वेल्व हंड्रेड एंड थ्री यानी चंडेला रूलर्स जब मेमलुक डायनेस्टी ठीक है मेमलुक रूलर्स इंडिया में आ गए थे तब तक एग्जिस्ट कर रही थी और लास्ट जो है वो है परमास ऑफ मालवा वर वल्सो फ्यूडिशरीज इन इनिशियली ऑफ इनिशिये ठीक है तो अब देख लो एक बार वापस से लिस्टिंग कौन कौन से रूलर्स कहाँ पे थे और फिर हम आगे बढ़ते हैं राजपूत रूलर्स देख लें इंडिया के मैप में देख लें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रूलर्स थे और उन्होंने अपना बेस कैसे बनाया हुआ था तो देखो सबसे ज़्यादा हमें ख़तरा पहले है गजनी से क्योंकि गजनी से अटैक होता ठीक है इंडिया में राजपूत रूलर कौन कौन से थे सोलंकी गुजरात के आसपास राजस्थान में परमार चौहान गढ़ गढ़वाल गढ़वाल जो थे वो आप जानते हैं गढ़वाल होते हैं अभी भी ठीक है उत्तराखंड के एरिया से प्रतिहारा तोमर चंडेला और सेना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स हैं साइड में आपको लिखा है इनका नाम और ये किस शहर से ऑपरेट करते थे किस रीजन से ऑपरेट करते थे वो भी डिटेल दी हुई है तो स्लाइड पी डी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और जस्ट गो थ्रू इट वंस ठीक है गढ़वालाज ऑफ कन्नौज परमार ऑफ मालवा चौहान्स ऑफ अजमेर कलुचरीज अराउंड मॉडर्न जबलपुर चंडेलाज इन बुंदेलखंड चालुक्य ऑफ गुजरात तोमर ऑफ दिल्ली ठीक है तो सारे के सारे हो गए समझ में आ गई बात कोई प्रॉब्लम एनी इशू अभी तक समझ आ गई बात चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता दूँ ये राजपूत के बारे में एक प्रॉब्लम ये है कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने अटैक किया और एरियाज को जीत लिया वापस से फिर वापस से कभी अटैक नहीं किया राजपूत ने क्या प्रॉब्लम है सो so, और राजपूत के बीच में देखिए एक नोशन ऑफ सेंटिटी होता है सेंटिटी ऑफ लैंड सेंटिटी ऑफ लैंड जिसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपसे एक बार आप जमीन का टुकड़ा हार गए तो वापस से आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते ठीक है और अनलेस एंड अनटिल उस जमीन पे जो नेटिव्स हैं वो खुद वहाँ पे रेबेलियन ना करें या फिर जो नया वहाँ पे राजा है उस उसका खुद कोई हेयर ना उसका कोई एयर ना हो उसका कोई सक्सेसर ना हो मतलब अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में लड़ाई हुई और मिस्टर बी इज अ राजपूत मिस्टर ए जो है वो जीत गए तो मिस्टर बी अब वापस कभी उस जमीन पे कब्जा करने की बात नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल या तो मिस्टर ए की डेथ हो जाए और उनका कोई सक्सेसर ना हो और या फिर उस प्रॉपर्टी पर रहने वाले जो लोग हैं उस टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं वो खुद रिबिलियन कर दें मिस्टर ए के अगेंस्ट देन मिस्टर बी विल कम इन सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल आइडियाज अबोंग राजपूत जिसके कारण बहुत सारे बार ऐसा हुआ कि सोलंकीज और परमास ने अपनी एरियाज जो हैं वो री वापस जीतने की कोशिश नहीं की ठीक है दे स्टूड फोर्थ अच्छा और ये जो ब्राह्मणिकल आइडियाज हैं ठीक है ब्राह्मणिकल आइडियाज जो हैं वो इंप्लीमेंट करते थे बिल्कुल कास्ट सिस्टम में पूरा फेथ था इन राजपूतों का तो उससे भी आपको ये पता होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम इस पूरे पीरियड में बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली तो नहीं कहना चाहिए नॉट द करेक्ट वर्ड बट एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट किया गया था ठीक है कास्ट सिस्टम में कुछ प्रॉपर नहीं है कि उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए ठीक है अब क्योंकि मुझे पता है आप अलग से जाके मैप देखेंगे नहीं ठीक है तो मैंने यहीं पे डाल दिया है जबकि आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है लेकिन आप यहाँ पे समझ लें जो खजुराहो वाले टेम्पल्स हैं ठीक है उनको थोड़ा सा समझ लें यहाँ पे खजुराहोहोहो वाली टेम्पल समझाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाके टेम्पल्स के ऊपर नजर नहीं डालेंगे ठीक so, है सो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है नॉर्थ इंडिया में खजुराहो और भुवनेश्वर के टेम्पल्स के बारे में भी बात कर रहा था इनकी खासियत क्या होती है वही सेम कि भाई अंदर गर्भगृह जो है स्क्वायर रूम व डाइटी रिसाइट एट गर्भगृह और दियूल ओके बट बाकी स्ट्रक्चर जो है उस पर आप ध्यान दे दें एक बार ठीक है आ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट राजपूतों ने जो टेम्पल्स बनवाए थे कंडरिया महादेव टेम्पल खजुराहो वाला रिच एंड एलेबरेट कार्विंग ऑन द वॉल मोस्टली बिल्ड बाय चंडेला रूलर्स इसी तरीके से उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है जो लेवेंथ सेंचुरी एडी में बना सन टेम्पल बना थर्टीन सेंचुरी एडी में जगन्नाथ टेम्पल पूरी में बना वो भी इसी पीरियड से बिलोंग करता है ठीक है वास्तु वस्तुपाल ठीक है जो चालुक्या के रूलर्स के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने माउंट अबू वाला टेंपल बनवाया माउंट अबू में एक बहुत टेंपल है जो बहुत फेमस है जिसका नाम है दिलवाड़ा टेंपल ठीक है ये मेरे आप देखेंगे स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में दिलवाड़ा टेंपल आपको दिखेगा वो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ से आ रहा है तो वो दिलवाड़ा टेम्पल वस्तुपाल ने बनवाया था किसने बनवाया था वस्तुपाल मेरे पीछे नाम छू गया है आप स्लाइड डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा वस्तुपाल ओके ये पता होना चाहिए चलिए अब जो राजपूत रूलर्स थे उनके यहाँ लिटरेचर का काम क्या हो रहा था लिटरेचर में क्या चेंजेस हो रहे थे क्या डेवलपमेंट हो रहे थे वो भी देख लेते हैं तो परमार रूलर्स ऑफ मालवा हैड टू कैपिटल उज्जैन एंड धर ठीक है दो कैपिटल थी उनकी दो राजधानियाँ थी ठीक है उज्जैन और धर ये राजा भोज की मूर्ति है जो अगर कोई भोपाल से हो भोपाल में आप जानते हो तो भोपाल शहर में लेख है ठीक है भोज लेक भी कहते हैं उसको उसके बगल में राजा भोज की ये मूर्ति बनी हुई है आई एम रियली नॉट श्योर दैट राजा भोज के सिक्स पैक्स ऐप से ऑल दो स्टैचू में ऐसे ही दिखाया गया है कि राजा भोज के सिक्स पैक ऐप से देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके सिक्स पैक्स दिख रहे हैं बट एवोल्यूशन ऑफ लिटरेचर पे अगर हम बात करें तो परमारा परमार रूलर्स जो हैं मालवा रीजन के वो उन्होंने बहुत सारा काम किया किसमें लिटरेचर के क्षेत्र में और वो आपको जानना जरूरी है कि क्या था तो परमार रूलर उनके कैपिटल उज्जैन और धर्म ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे राजा भोज जिनका रूल था 1010 थाउजेंड से लेकर 1055 थाउजेंड तक मतलब 45 फाइव ईयर्स तक राजा भोज ने ठीक है इस एरिया को रूल किया ठीक है उज्जैन बिकेम द सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर दिस टाइम आपको अभी भी पता है उज्जैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उज्जैन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है लेकिन इस समय पे उज्जैन संस्कृत लर्निंग का एक बहुत बड़ा सेंटर बन के उभरा ठीक है इस समय के कुछ ज़रूरी काम है कुछ नई डेवलपमेंट थी जो आपको जानना जरूरी है जान लें आपके लिए अच्छा होगा ठीक है जैसे भुज भीम ठीक है जो एस्ट्रोलॉजी पे एक काम था ठीक है चंपू रामायण यहीं पर लिखी गई ठीक है चारूचार्य एडवेटाइज ऑन पर्सनल हाइजीन कोविड के टाइम पर शायद काम आ जाती लेकिन पहले लिखी थी अब मिलेगी भी नहीं गोविंद विलास पोयम लिखी गई नाम मलिका लेक्सिकोग्राफी ठीक है लैंग्वेज वाली लेक्सिकोग्राफी की एक किताब लिखी गई जिसका नाम था नाम मलिका ठीक है युक्ति कल्पतरू इट डील्स विद टॉपिक्स लाइक स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स सिटी बिल्डिंग कल्परु का मतलब क्या होता है कल्पतरू मतलब आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़ ठीक है युक्ति कल्प तरु मतलब इसमें वो युक्तियां हैं जिससे आपकी जो विशेज हैं आपकी इच्छाएं जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी और किसी भी इंसान की विशेज क्या होती हैं अब छोटे लेवल पे आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली पावर पॉलिटिक्स स्टेट बिल्डिंग इस तरह की चीजें जो हैं वो इस किताब में आपको मिलेंगी युक्ति कल्प तरू में ठीक है सो युक्ति युक्त और नाम मलिका दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनका नाम आपको सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है या तो ये पूछा जाएगा कि किस बारे में है तो आपको पता होना चाहिए नाम मलिका इज अबाउट लेक्सिकोग्राफी युक्ति कल तरु इज अबाउट स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिक्स ऑल दीज थिंग्स ठीक है कब लिखी गई थी किसके राज में लिखी गई थी राजा भोज के राज में ठीक है परमारा रूलर थे राजा भोज उनके राज में इसको लिखा गया था ठीक है हेमचंद जो जैन स्कॉलर थे वो भी यहीं पर प्रेजेंट थे उन्होंने यहाँ पे संस्कृत में और अप्रमशा दोनों लैंग्वेजेस में लिखा याद रखिएगा जैनिज्म जो है वो भी अब एलिटेस्ट हो गई थी वन थाउजेंड एटी आते आते जैनिज्म जो है वो एलिटिस्ट हो गई थी एलिटिस्ट जैनिज्म का मतलब क्या है क्योंकि देखो जैनिज्म और बौद्धिज्म जब लैंग्वेजेस जब रिलीजन डेवलप हुए थे तब वो लोकल लैंग्वेजेस में लोगों से बात करते थे ठीक है पाली में कुछ दिन बाद आप देखते हैं थोड़ा सा प्राकृत में ही बात करते हैं ठीक है बुद्धिज्म जैनिज्म लेकिन इफ एंड वैन जब जैसे जैसे आगे जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्टेट का पेट्रोनेज मिलने लगा राजाओं का आ, राजाओं ने उनको फंड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे वो भी संस्कृत की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो गए एंड आप देखेंगे हेमचंद की जितनी भी जैन राइटिंग्स हैं वो संस्कृत में है या अपभ्रमशा में है अपभ्रमशा क्या है अपभ्रमशा बेसिकली मीन्स रॉन्ग लैंग्वेज या आई एम नॉट जोकिंग अप्रमसा मतलब कोई ऐसी भाषा बोल रहा है जो एडिक्वेट नहीं है जो परफेक्ट नहीं है तो उसको अपभ्रमसा कहते हैं ये वही टाइम है जब पहली बार आप रीजनल लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन भी देखेंगे वन थाउजेंड के आसपास 800, 900, 1080 एटी ये वो टाइम है जब पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर रीजनल लैंग्वेज डेवलप हो रही थी ठीक है सो अपभ्रमशा यहाँ पे बड़ी काम आती है ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए ओके अब इसके बाद देखो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उज्जैन बिकेम द सेंटर उज्जैन बिकेम द सेंटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर उसी तरीके से लाहौर बिकेम द सेंटर ऑफ अरबिक एंड परशियन लैंग्वेज लिटरेचर अरबिक और परशियन लैंग्वेज का जो काम था वो कहाँ हो रहा था वो लाहौर में हो रहा था सो लाहौर और दूसरा उज्जैन ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब देखिए अब यहाँ तक जब हमने बात कर ली तो हम अब बात करते हैं कि अब जब हमने एक नॉर्थ इंडिया मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि भाई अच्छा अटैक किसने किया क्योंकि अगर मैं थोड़े से हिंदू रूलर्स बताने लगता तो आप पहले पहचान हो जाता है कि सर ये तो एंशेंट हो गया मेडिवल नहीं है तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि महमूद ऑफ गजनी कौन थे उन्होंने अटैक किया कौन से एरियाज़ को उड़ाया ठीक है कौन से एरियाज पे कब्जा किया कौन से एरियाज को लूट के वापस चले गए वन थाउजेंड में उनकी डेथ हो गई उसके बाद गजनवाई डायनेस्टी नीचे चली गई ठीक है उनकी पावर कम हुई और नई डायनेस्टीज डेवलप होने लगी इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो राजपूत रूलर्स थे एक तरीके से जब आप नॉर्थ वेस्ट से अटैक करेंगे तो पहले आपके फ्रंट में जो पड़ते इंडिया में वो राजपूत रूलर्स ही थे और इसीलिए मैंने आपको एक राजपूत रूलर्स की हाईलाइट भी दे दी कि कौन कौन से राजपूत रूलर्स थे जो इस पीरियड में एक से लेकर एक हजार एडी के बीच में एक्टिव थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ इट वॉज ओनली इन ट्वेल्थ सेंचुरी एडी ठीक है 1100 प्लस प्लस ट्वेल्थ सेंचुरी का मतलब पता है ना 1101 मतलब ट्वेल्थ सेंचुरी हो जाएगी जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कौन सी होती है 2001 हजार एक ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नाइनटीन नाइनटी नाइन सेंचुरी ठीक है समझ में आई बात सो ट्वेल्थ सेंचुरी मतलब 1100 प्लस अब इस पूरे टाइम में नदर ग्रुप ऑफ टर्किस टाइम मैन ठीक है यहां पे वापस से अटैक करेंगे और ये कौन से टर्किश टर्किश ट्राइबमन है ये वो लोग हैं जो एथनिकली तो टर्किश हैं लेकिन इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है इसमें से कुछ बुद्धिस्ट हैं और कुछ पेगन हैं पेगन क्या होते हैं पेगन जब भी आपको कोई रिलीजन समझ में नहीं आता है यू डोंट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज अबाउट अ अबाउटन रिलीजन सर्टन फेथ सर्टन बिलीफ सेट यू स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ पेगन रिलीजन ठीक है एंड दैट इज अ रिलीजन दैट वी हैड नॉट वी डिट हैस्टैंडिंग अबाउट द मॉन्गोल्स एंड देर रिलीजन ठीक है उसमें से कुछ बुद्धिस्ट थे क्योंकि बुद्धिज्म बाई जिस टाइम ठीक है जापान के रास्ते चाइना होते हुए इन एरियाज में फैल गया था जो सेंट्रल एशिया है लेकिन उसके अलावा और भी रिलीजन थे इस एरियाज में जो मंगोल्स फॉलो करते थे सारे बुद्धिस्ट सारे मंगोल्स बुद्धिज्म नहीं फॉलो करते थे तो और रिलीजन क्या था पेगन पेगनिज्म आप लिख सकते हैं ठीक है दे शैटर्ड द पावर ऑफ द सेल्जुक टर्क्स एंड टू न्यू पावर्स रोज इन प्रोमिनेंस अब देखो अभी तक मैंने आपको कुछ पहले क्या बताया था एक हजार तीस एडी के बाद गजनवाइड किंगडम की पावर नीचे गई जब गजनवाइड किंगडम की पावर नीचे गई तो सेल्जुक डायनेस्टी का उदय हुआ सेल्जुक डायनेस्टी बड़ी होने लगी अब कुछ दिन बाद क्या होगा सेंट्रल एशिया से मोंगोल्स अटैक करेंगे जो एक प्रोटो मंगोल्स होंगे ठीक है ये ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरी वाले मंगोल नहीं है इलेवेंथ सेंचुरी ट्वेल्थ सेंचुरी वाले मंगोल्स हैं हम इनको प्रोटो मंगोल्स कह सकते हैं ठीक है ये अटैक करेंगे सेंट्रल एशिया से इस पूरे रीजन पे, और उनके अटैक के कारण अब सेल्जुक डायनेस्टी भी हारने लगेगी डिग्रेड होने लगेगी क्योंकि जैसे जैसे गज महमूद और गजनी हमें लूट के भाग जाते थे वैसे ही सेल्जुक डायनेस्टी को और गजनी को लूट के मंगोल्स भाग जाते थे और इसके बाद यहाँ पे दो नई डायनेस्टीज़ डेवलप होंगी कौन कौन सी डायनेस्टी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो अफ़गानिस्तान वाले एरिया में आप देखेंगे एक डायनेस्टी डेवलप होगी जिसको हम कहते हैं गुरी डायनेस्टी क्यों क्योंकि नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गुर ठीक है और गुर में एक से कैपिटल थी उनकी और वहां से चलती थी गुरी डायनेस्टी और दूसरी ईरान में डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं ख्वारिजमी डायनेस्टी ठीक है सो अब पहले क्या हुआ फापस सुनिए याद रहना चाहिए ये चीज़ ऑन द टिप होनी चाहिए सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले गजनवाइड किंगडम गजनवाइड के डाउनफॉल के बाद ठीक है सेल्जुक किंगडम बड़ा सेल्जुक टर्क्स की डाउनफॉल किसकी वजह से हुई मंगोल्स की वजह से ठीक है और सेल्जुक के डाउनफॉल के बाद दो नई डायनेस्टीज बनी ईरान में ख्वारी डायनेस्टी और अफगानिस्तान में गुरी डायनेस्टी तो बात समझ में आ गई सबको यहां तो बात समझ में आ गई सबको चलो ख्वारिजी और गुरी समझ में आ गया अब देखिए गुर से ऑपरेट हो रही थी अब ये जो गुरी अब ख्वारिजी डायनेस्टी जो है वो जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ अटैक करेगी ईरान में जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि अफगानिस्तान पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं है तो वो क्या करेंगे ईरान से इराक सीरिया लेबनान इस तरफ वो ज़्यादा मूव करेंगे ख्वारिज़मी एम्पायर से उसके आगे इंडिया का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है ठीक तो तो है तो ख्वारिजी एम्पायर स्टॉप द गुरिड फ्रॉम मूविंग सेंट्रल एशिया एंड गुरिड स्टॉप ख्वारिजी एम्पायर फ्रॉम मूविंग ईस्ट वर्ल्ड ठीक है सो ख्वारी जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए और गुरीद में बैठे हुए जो लोग थे वो सेंट्रल एशिया नहीं जा पाए अब उनके पास ऑप्शन क्या था इंडिया पे अटैक करना एंड दैट इज वेयर अ न्यू कैरेक्टर कम्स इन टू पिक्चर जिनका नाम था मोहम्मद बिन सैम ठीक है या फिर एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से इनको जानते हैं वो है शाहबुद्दीन मोहम्मद ठीक है शाहबुद्दीन मोहम्मद और इन्हीं को आप मोहम्मद ऑफ गौरी कहते हैं या मोहम्मद गौरी कहते हैं ठीक है थीके? ये सारे नाम एक ही आदमी के हैं जो गुरी गुर डायनेस्टी बनी गुराइट डायनेस्टी बनी गुरी डायनेस्टी के रूलर बने जिनका नाम था शाहबुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑल्सो नोनेड नोन एज मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम ठीक है और इसके बाद इन्हीं को आप कहते हैं मोहम्मद ऑफ गौरी या मोहम्मद गौरी ठीक है केम टू पावर एट गजनी वाइल हिज ब्रदर रूल्ड ओवर गुर ठीक है वाइल हंड्रेड एंड यानी पिछली बार जब लोग पावर में आए थे उसके बाद देखिए पिछली बार जब है वन थाउजेंड थर्टी में सब कुछ खत्म हो गया था उसके ऑलमोस्ट एक सौ साठ साल बाद ठीक है मोहम्मद महमूद गजनी ने जब इंडिया पे अटैक किया था उसके एक सौ साठ साल बाद अब वापस पे अटैक हो रहा है इंडिया पे ठीक है तो ये छोटा पीरियड नहीं है हम लोग एक हाँ, एक सास में मोहम्मद गौरी और महमूद अब गजनी का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं याद रखिए है, महमूद गजनी जो थे वो एक हजार तीस ए डी में मर गए थे और मुइजुद्दीन मोहम्मद यानी मोहम्मद ऑफ गोरी वो पावर में कब आए एक ग्यारह सौ नब्बे में आए यानी एक सौ साठ साल का बीच में डिफरेंस है ये चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है टाइमलाइन समझ में आ जाती है अब देखिए लेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी मोजुद्दीन मोहम्मद कॉन्कर्ट पेशावर लाहौर एंड सियालकोट ठीक है बाय द टाइम्स चौहान्स ऑफ अजमेर अब क्योंकि इंडिया में चौहान जो थे उन्होंने तोमरस को बाय दिस टाइम हरा दिया था इसीलिए मैंने वो चीज़ें आपको पहले बताई कि मैं कहानी यहाँ से कनेक्ट कर सकूँ कि चौहान जो थे उन्होंने तोमस को हरा दिया था वो दिल्ली में बैठे थे अब अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और लाहौर पे किसी ने अटैक करके कब्जा कर लिया है, तो लाहौर के बाद अगला पॉइंट क्या होता है लाहौर के बाद अगला पॉइंट है दिल्ली लाहौर और दिल्ली की दूरी है चार किलोमीटर सो अब वो दिल्ली की ओर आएंगे ठीक जो है सो चौहान जो हैं अजमेर के साथ साथ दिल्ली पे भी उनकी पावर है दिल्ली बैक देन वॉज कॉल्ड दे दिल्ली का दिल्ली वॉज कॉल्ड दिल्ली का क्योंकि पानीपत के बाद जब ढलान खत्म होती है तो परिश पहला शहर जो बना वो दिल्ली बनी ठीक है पृथ्वीराज केम टू पावर इन अजमेर एट द एज ऑफ एलेवन ठीक है ये बात आपको अलग से पता होनी चाहिए अब देखिए अब इसके बीच में आप देखेंगे कि मुइजुद्दीन मोहम्मद जिनको आप मोहम्मद गौरी कहते हैं ठीक है वो एक बार उन्होंने गुजरात पे भी अटैक किया और गुजरात के जो रूलर थे भीमा सेकंड उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और पृथ्वीराज ने भी एक बार भीमा सेकंड पे अटैक किया था गुजरात में भीमा सेकंड ने उनको भी हरा दिया तो यहाँ पे कभी इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो कि हिंदू राजा मुस्लिम राजा सारे एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे ठीक है अब इसके बाद क्या होगा अब मोहम्मद गौरी लाहौर को कैप्चर करने के बाद दिल्ली पर अटैक करेंगे बीच में होगी बैटल ऑफ तरेन बैटल ऑफ तरेन जो है ग्यारह में हुई इलेवन में बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज वॉन पृथ्वीराज जीत गए और गोरी भाग गए ठीक है अगले साल क्योंकि आदत है सारे अफगान हर साल इन्वेट करते हैं अगले साल वापस से गोरी अपनी आर्मी लेके आए और फिर से बैटल हुई बैटल ऑफ टेरेन फिर से हुई उसी जगह पे फिर से दूसरी लड़ाई हुई दिस इज कॉल्ड ए सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन याद रखिए पानीपत की लड़ाई तीन बार हुई थी टेरेन की बैटल दो बार हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हैपेंड और इस बार गोरी जीत गए और पृथ्वीराज हार गए ठीक है पृथ्वीराज जब हारे तो इनिशियली उनको अलाउ कर दिया गया कि दिल्ली छोड़ के वापस अजमेर चले जाएं और अजमेर जाके अजमेर से वो रूल करना शुरू कर दें ठीक है और वो हर साल कुछ पैसे गुरी को भेज दिया करेंगे लेकिन इसके बाद आ... पृथ्वीराज ने प्लानिंग की कि किस तरीके से कॉन्स्पेरिसी करके वो गुरी को मार देंगे और पावर उनके हाथ में वापस आ जाएगी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई गुरी को और गुरी ने फिर पृथ्वीराज को एग्जीक्यूट करा दिया और पृथ्वीराज के जो बेटे थे उनको फिर चौहान किंगडम का हेड बना दिया और उनसे वो एनुअल पैसे लेना शुरू कर दिया उन्होंने और क्योंकि क्योंकि पृथ्वीराज के जो बेटे थे उनको चौहान किंगडम का नया रूलर बना दिया गया उनको अजमेर जाना था लेकिन बाय दिस टाइम पृथ्वीराज के जो भाई थे उनका कहना था कि तुमने मोहम्मद गोरी के साथ एक ट्रिटी साइन की है और इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि अब अजमेर के जो अजमेर के जो चौहान्स थे वो दो पार्ट में बट जाएंगे वो चौहान जो पृथ्वीराज के भाई के साथ हैं वो अजमेर में रुकेंगे और वो चौहान जो पृथ्वीराज के बेटे के साथ हैं जो मोहम्मद गुरी को एनुअल पेमेंट करने को रेडी हो गए हैं वो कहाँ रंथम्बौड़ शिफ्ट हो जाएंगे और इसलिए रनथम्बौड़ का फोर्ट जो है वो अब एक्टिव हो जाएगा ये चीज आपको पता होनी चाहिए ओके यहां तक बात समझ में आ गई सबको एवरी हम्म अब देखो अब इसके बाद बैटल ऑफ तरैन के बाद गोरी जो थे मोहम्मद मौ, गोरी वापस से गुर लौट गए और उन्होंने अपने एक स्लेव को क्योंकि यहाँ पूरी वो पर, परंपरा चल रही है सब लोग अपने स्लेब्स रखते हैं तो गोरी ने अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन एबिक को दिल्ली में इंस्टॉल कर दिया एज़ गवर्नर कुतुबुद्दीन एबिक को उन्होंने गवर्नर की तरह दिल्ली में इंस्टॉल कर दिया और वो वापस चले गए अब इसके बाद एक चीज़ और देखिए अब मोहम्मद गौरी जब इंडिया आना उनको था तो यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज जो थे पृथ्वीराज को हराने के लिए मोहम्मद गौरी खुद नहीं आए थे ऐसे उनको बुलाया गया था किसने बुलाया था उनको कन्नौज से बुलावा आया था उनको जयचंद राठौर जो कन्नौज के रूलर थे उन्होंने इनवाइट किया था क्योंकि जयचंद का प्लान ये था कि पृथ्वीराज को हरा कर लूट कर वापस चले जाएंगे गोरी इन्वेट करके बचेगा कौन बचूंगा मैं मैं सबसे पावरफुल रीडर बन जाऊंगा और कन्नौज वापस से पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया की एक तरीके से कैपिटल बन जाएगी दिल्ली की पावर कम हो जाएगी ये प्लान था जयचंद का जब पृथ्वीराज को पृथ्वीराज से लड़ाई हुई ख़त्म हुई गोरी वापस चले गए लेकिन स्टिल वो कुतुबुद्दीन एबिक को दिल्ली में गवर्नर बना के गए वो दिल्ली छोड़ के वापस नहीं चले गए जिससे पहले होता था जब गजनी अटैक करते थे ठीक है महमूद और गजनी जब अटैक करते थे तब वो लूट के वापस चले जाते थे वो किसी को इंस्टॉल नहीं करते थे ठीक है गोरी ने ऐसा नहीं किया गोरी ने अपने एक स्लेव को यहाँ गवर्नर बना दिया अब इसके कारण दिल्ली और कन्नौज के बीच में रोज लड़ाइयाँ शुरू हो गई कन्नौज का कहना है भाई अब वो सुपर पावर है और दिल्ली का कहना है कि भाई हम तो सुपर पावर थे ही हमें तो बोला है गोरी ने ठीक है तो अब यहाँ पे रोज इशू शुरू हो गया इस इशू को रिजोल्व करने के लिए महमूद और मोहम्मद गोरी एक बार वापस आए 1114 सौ में और एक बार वापस से लड़ाई हुई जयचंद के साथ कन्नौज के पास जिसमें जयचंद की भी डेथ हो गई ठीक है फाइनली ये हो गया और फिर मोहम्मद गोरी जो है वो वापस वापस चले गए गुर और गुजरात में जो भीमा टू बैठे थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को भी हराया था और जिन्होंने पृथ्वीराज को भी हराया था उनको अब कुतुबुद्दीन एबिक हराएंगे और पहली बार कुतुबुद्दीन एबिक को ऐसा लगेगा कि हमारे मास्टर जिसको नहीं हरा पाए उसको हमने हरा दिया इसी बीच अब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाएगी ठीक है और जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाएगी उसके बाद फिर ये इशू क्रिएट होगा कि अब कुतुबुद्दीन एबिक किसको आंसरेबल है उस पर हम आएंगे एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पे एक और कैरेक्टर का नाम आता है जिनका नाम है बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी कौन थे जो ये खिलजी खिलजी आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते हैं ठीक है तुगलक खिलजी ये सारे कौन से लोग हैं ये सारे लोग अफगान जो गुर जब पहली बार आए थे ठीक है मोहम्मद गोरी के साथ ही ये लोग कुतुबुद्दीन एबिक की आर्मी में भर्ती होकर ही इंडिया आए थे चाहे खिलजी हों चाहे तुगलक हों ओवर द पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर वन फिफ्टी ईयर्स इन्होंने अपने आप को बड़ा किया और जब ये बड़े हो गए तो इन्होंने लोकल जो भी रूलर होगा उसको हटा के ये खुद रूलर बन गए तो इसी खिलजी ग्रुप से एक बख्तियार खिलजी नाम के सीनियर ऑफिसर थे जो कि कुतुबुद्दीन एबिक के लिए काम करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसके स्लेव हैं मोहम्मद गुरी के और मोहम्मद गुरी के स्लेव होने के बावजूद कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए काम कौन कर रहा है बख्तियार खिलजी अब बख्तियार खिलजी को यह काम दिया गया कि दिल्ली में तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गए गुजरात के रूलर भीमा टू को उन्होंने हरा दिया जयचंद कन्नौज में थे वो रास्ता पूरे का पूरा खाली हो गया अब बचा क्या अब ईस्ट चलते हैं मैप देख के समझिए यहां मैप देख लीजिए इस वाले में जहाँ पे है दिल्ली ठीक है यहाँ पे है दिल्ली दिल्ली में कुतुबुद्दीन एबिक बैठ गए ठीक है कन्नौज को हरा दिया गया है तो कन्नौज की प्रॉब्लम ख़त्म गुजरात को हरा दिया गया है गुजरात की प्रॉब्लम ख़त्म अब इधर का एरिया तो वैसे ही उनके कंट्रोल में है क्योंकि यहाँ से वो कभी भी इन्वेजन करा सकते हैं मोहम्मद गुरी से तो ये एरिया भी उनके कवर कब्ज़े में ये एरिया भी उनके कब्ज़े में ये एरिया भी इनके कब्ज़े में इधर तो पहाड़ है तो बचा क्या सिर्फ यही तो बचा यही बचा ना ये रीजन अब वो अपने ऑफिसर बख्तियार खिलजी को कहेंगे कि आप इंडो जो गंगेटिक डोब है जिसको आप बनारस इलाहाबाद बंगाल का एरिया मानते हैं इस एरिया पे अटैक करें और इसके बाद आप देखते हैं कि बख्तियार खिलजी विल स्टार्ट एंड विल मूव टूवर्ड्स बनारस ठीक है सो so, अखिलजी ऑफिसर बख्तियार खिलजी फर्स्ट ही रेडेड बनारस डि एंड देन ही मूव्ड अवे ऑन बिहार बिहार में उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया एंड दैट इज़ फेमस कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ को किसने जलाया था तो वहां पर आपको पता होना चाहिए बख्तियार खिलजी का नाम आएगा अच्छा जब हम इतनी बात कर ही चुके हैं तो अब इतनी इनसे बैठे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने कुछ चीजें बनाई हैं जो कि आपको बार बार अब आगे से सुनाई देंगे और जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि मेडिवल हिस्ट्री में कई सारे की वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे एंड यू नीड टू नो दीज वर्ड्स ठीक है तोता क्या होता था एक जमीन का टुकड़ा होता था जो उसको टर्किश रेवेन्यू सिस्टम में इसको यूज किया जाता था इस नॉमिन को तो एज इट इज इस, इसको इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो करेंगे उनसे रेंट कलेक्ट कौन करेगा उनसे रेंट कलेक्ट करेंगे मुक्त मुक्ति या फिर इक्तेदार ठीक है और ये इकता जो है ये जमीन का टुकड़ा था बेसिकली जो जमींदार थे उनकी जगह वर्ड यूज होता था इक्तेदार ठीक है और खलीशा क्या था खलीसा एक दूसरा ज़मीन का टुकड़ा था जो इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जा इंपीरियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब क्या है देखो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी जहां से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलेगा शोर्टी है वो ज़मीन का टुकड़ा सीधे सीधे किसको दे दिया जाता था रॉयल फैमिली को दे दिया जाता था मेकिंग श्योर sure कि रॉयल फैमिली की हाउस में कभी कोई कमी ना हो ठीक है और इसीलिए इस ज़मीन की खास इंपॉर्टेंस होती थी इसको खलीसा कहते थे ठीक है खालिस नहीं खलीसा ठीक है के एच ए एल आई एस ए खलीसा ठीक है अब एक और जो वर्ड है उसके बारे में आपको जानना है दैट इज कू वर्ड कु वर्ण क्या है कु वर्ण और सुवर्ण का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अभी आप लोग क्योंकि ये थोड़ी सी वर्ड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आते हैं आपने सवर्ण सुने होंगे ठीक है द पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी और मेनी आर टाइम इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड एज सवर्ण ठीक है ये सवर्ण क्या होते हैं सवर्ण कुछ नहीं होता है सुवर्ण और है। वर्ण और कु वर्ण दो शब्द होते हैं दो वर्ड्स होते हैं सुवर्ण का मतलब क्या है दैट इज वन विच आर गुड वर्ड वर्ण परंपरा चतुर्वर्ण परंपरा में ऊपर के तीन जो वर्ण है वह सु वर्ण है नीचे वाला कु वर्ण है ठीक है सो लोअर कास्ट पीपल वेसिकली इन दिस सोसाइटी वर कॉल्ड एस कु वर्ड ठीक है तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे आ, अभी हम क्या करेंगे अभी हम आज यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे और अगली क्लास में फिर हम कुतुबुद्दीन एबिक के रूल से चीज़ों को शुरू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग वट वर द एक्चुअल थिंग्स विच कुतुबुद्दीन एबिक डेड फिर हम इलतुतमिश की बात करेंगे फिर हम रजिया की बात करेंगे और फिर हम आगे चलते हुए पूरा मेडिवल का सेक्शन कंप्लीट करेंगे ठीक है सो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास नाउ अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन आपका हो तो अभी पूछें अदरवाइज वी विल फिनिश द सेशन ठीक है चलिए आगे आपने क्वेश्चन अपने टाइप कर लीजिए मैं अगले दो मिनट तक यहाँ पे हूँ और लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि यू पी एस ऑप्शनल और जीएस का सब्सक्रिप्शन साथ में लेंगे क्योंकि आपको प्रिपरेशन दोनों चीज़ों की करनी है जब आप फाइनली uh, जाएंगे साथ में लेने अगर सब्सक्रिप्शन साथ में ले रहे हैं आप तो अनकेडमी आपको टेन की जगह फोर्टीन परसेंट डिस्काउंट दे देगी एस पी कोड यूज़ करने पर बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड अ कॉम्बो पैक सो मेक श्योर यू डू दैट एंड यप दैट विल बी ऑल फॉर नाउ